जीटोलिया माया कटिंग करवाने। हाय ये इधर तो देख, आज पापा भी करा लेगा। हाँ पापा भी करवा लेंगे। तो देखिए पहली दफा इसने कटिंग करवानी है, अब देखें कैसे करवाता है। आराम से करवाएगा या तंग करेगा? बाबा की कटिंग होने लगी है, गाड़ी में बैठा। हाय फर्स्ट कटिंग है मेरी, देख रहे गौर से चीजें। फिलहाल तो आराम से बैठा हुआ, अभी तो आराम से बैठा हुआ, पता कोई नहीं है। लियम की कटिंग हो गई है, अब लियम के पापा की कटिंग होने लगी है। ओए ओए नीनू आ गई है, लियम की नीनू आ गई है। बाबा अपने कामों में ही लगा हुआ है। इधर देखो लियम, वहां से ना कुछ पकड़ना। इधर से क्या पकड़ रहा है? फूल नजर आ गया उसे, काफी देर से बैठा हुआ था, तंग हो रहा था। मैं कह रही हूँ बाहर से देख ले, और नहीं नजर फूलों पे पड़ गई है नाच ने। तो अब हम बेल सीमा में आए हैं, यहाँ पे गाड़ियों की चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो रॉबी को क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए था गाड़ी के लिए कुछ, तो उसके मैट खराब हुए थे गाड़ी में, तो ये हम देख रहे हैं वो। और कुछ और चीज़ें चाहिए थी रोनी, वो देख रहे हैं। ये हमने यहाँ पे देखे हैं मैट रबर के, तो और देख रहे हैं साथ साथ जी। तो रॉबी की गाड़ी के ये हमें वाइपर मिल गए हैं, वाइपर हमने खरीद लिए हैं, और एक दो चीज़ है इसकी गाड़ी की, तो अब वो देख रहे हैं। तो यहाँ लग गई मुझे थोड़ी सी भूख, और कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो रोनी ने मुझे लेके दिया है एप्पल पाए विद वनीला सॉस एंड चॉकलेट मिल्क। और ये खाने के बाद फिर हम जाएंगे घर की तरफ। जी हाँ, तो अब हम आ गए घर, और लियम की कटिंग भी हो गई, रोनी की कटिंग भी हो गई। लियम ने बहुत अच्छे से आराम से कटिंग करवाई थी, देख दुख रहा था पर तंग नहीं किया, ना रोया है। और हम आ गए अब घर, और मैं कर रही हूँ किचन में कुकिंग। रोनी कह रहे थे मुझे आज स्पेगेटी खानी है, तो मैंने फटाफट से सारा कुछ निकाला और यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रही हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी साथ ही लहसुन, और इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही लहसुन भी लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें कीमा डाल देंगे, कीमे को डाल के भून लेंगे। जी तो कीमा यहाँ भुन गया था, तो साथ में मैंने थोड़े मशरूम्स डाल दिए हैं। मुझे हर चीज़ में मशरूम्स अच्छे लगते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं डाल सकते। जी तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाल के इसको भून लिया फिर से, और यहाँ पे बन रहे हैं नूडल्स, बॉईल कर रही हूँ। ये वाइट वाले हैं और ये ब्राउन वाले हैं, मुझे ब्राउन वाले अच्छे लगते हैं, और रोनी को ब्राउन वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ब्राउन वाले ज़रा फुल कॉर्न है, हेल्थी होते हैं,
और ये इतने हेल्थी नहीं होते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खा लेती हूँ वो भी और ये भी, पर ज़्यादा मैं प्रेफर फिर ब्राउन वाला ही करती हूँ ना, फुल कॉर्न, वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं। पर रोनी बिल्कुल भी नहीं खा सकते, इसलिए रोनी के लिए मैंने ये वाले बॉयल किए हैं और अपने लिए ब्राउन वाले कर रही हूँ जी। तो अब इसमें टमाटो पेस्ट डालेंगे, टमाटो पेस्ट मैंने लिया है डिलमियो का, ये वाला काफ़ी मज़े का अच्छा होता है। तो ये पूरी बॉटल जाएगी इसमें, हाफ के जी की मैं, तो इसमें पूरी बॉटल जाएगी, ये पूरा मैं इसमें डालूंगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। ये जो बॉटल में बचा रह जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भी ऐड कर लेंगे ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए जी। तो मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा ये भी ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि अच्छे से कीमा गल जाए, तो फिर ये रेडी हो जाएगा जी। तो बन गया हमारा खाना और हम अपना खाना खाते हैं, और हमारी आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू रिमेम्बर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।